हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, रात हमारे यहाँ पे लाइट की रही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो हम रात अच्छे से नहीं सो पाए हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग सोए होंगे, सो के उठे हैं काफ़ी लेट। तुम 12वीं भी नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ और दिन की शुरुआत की है मैंने पूजा से। पूजा पाठ हमारी हो गई है और वही मैं पी रही हूँ अब चाय। मैंने भी बनाई है अपने लिए चाय, तो अभी चाय मेरी चली रही है। गाइस, इतनी गर्मी है अभी कि बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। और अभी आँखों में नींद भरी हुई है क्योंकि रात हम लोग आए वृंदावन से, काफ़ी लेट आए थे, तो वहाँ से आने के बाद लाइट की थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अच्छे से सो नहीं पाए हैं। ये देखो मेरी 12वीं बैठी हुई है, 12वीं खाना खा चुकी है और फोन चला रही नहीं। अपना 12वीं में टाइम वेस्ट कर रही है। 12वीं मैम आएंगी 4:30 बजे आएंगी बेटे, तो 12वीं जा रही है सोने के लिए फिर से। मैं भी खाना बनाने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद 12वीं की आएगी फ्रेंड, तो 12वीं थोड़ी देर खेलेगी खाना वाना खा के, फिर थोड़ी देर के लिए सोएगी 12वीं भी, थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी मैं भी क्योंकि रात में अच्छे से नहीं सो पाई हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा काम है पार्लर में और मुझे थोड़ा सा काम अपना भी करवाना है, तब नेहा फ्री होगी तो मैं नीचे जाऊँगी। अभी मैं फिलहाल पी लेती हूँ चाय, उसके बाद चलते हैं किचन में। गुंजन आई आज बहुत लेट ही, देखो पोछा लगा रही है, कितना टाइम हो रहा है। आज बहुत लेट आई है गुंजन काम पे। गुंजन थोड़ा सा काम समेट देगा, 12वीं ने थोड़ा काम फैला रखा, थोड़ा काम समेट देना। 12वीं आपकी मैम आएंगी बेटा, थोड़े दिन में आने वाली है, आ जाएगी। छुट्टी पड़ रही है तो सबको सोने की बड़ी दिक्कत है। तो इतनी गर्मी और ऊपर से लोगों ने लगा दी है आग, पता नहीं पन्नियों में लगाई है किस चीज़ में लगाई है, इतना धुआं आ रहा है यहाँ पे। और कितनी गर्मी में इतनी धुआं उठ रहा है कि कपड़ों पे भी धुआं आ रहा है, काफ़ी धूल सी उड़ रही है। सो गाइस, बच्चे खेल रहे हैं, सिद्धि आई है खेलने के लिए। बार फिर दिखाओ क्या खेल रहे हो बेटा, नेट कर रहे हो दिखाना। अरे वाह, बार बार भी कर रही है सिद्धि की नेल आर्ट। सो गाइस, बच्चों की छुट्टियां तो कुछ ना कुछ तो बच्चे करेंगे, टाइम पास तो बच्चे करते ही हैं। बेटे मैंने आपके लिए राइस बनाया, ठीक है, बना रही मतलब अब, ठीक है। उसमें क्या डालूँ, वेजिटेबल्स डाल दूँ? आप खा लोगी गोभी शिमला मिर्च वगैरह खा लोगी? डाल दूँ? नहीं नहीं डाल, क्या डालूँ, आलू टमाटर डाल दूँ बस नहीं। और कुछ भी नहीं, प्याज डालूँ उसमें? एक काम करो, बस टमाटर और आलू डाल, ठीक है ओके। मैंने बच्चों के लिए बनाया है, मैंने पुलाव बनाया बच्चों के लिए, ये दोनों बच्चों का है, ये बच्चों की है दही और ये है भगवान जी का भोग, और ये मैंने सबके लिए बनाई थी अरबी की सब्जी। लो बेटा लो, सिद्धि पहले पकड़ो, पकड़ो पीछे पीछे पहले पीछे हो, पकड़ो पकड़ो, इसमें एक प्लेट ले लो बेटा। अरे ये लो ना बेटा, सिद्धि सिद्धि तुम लो बेटा प्लेट, तुम दोनों प्लेट लो बेटा, ले लो दोनों हाथ से। हाँ ये लो, अरी बारी भी लगाई भगवान जी का भोग। बेटे बैठ के लो, बैठ के आराम से। हाँ जय श्री राधे कहते हुए गाइस, आज मैंने पहनाई है अपने भगवान जी को, कल मैं लाई थी वृंदावन से भगवान जी की नई नई ड्रेस क्योंकि अब हो रही है गर्मी। जय श्री राधे। और बब्बी लगा रही है मेरी भोग भगवान जी को, मिली थी वहाँ पे दो माला, एक रात मैंने पहना थी खाटू श्याम जी को, जो एक माला थी मेरे बिहारी जी के दर्शन की बिल्कुल, ये मैंने पहनाई है अपने गोपाल जी को, जिसको पहन के मेरे गोपाल जी लग रहे बहुत खूबसूरत। आज 12वीं पढ़ी ट्यूशन, मुझे जहाँ नीचे पेडिक्योर कराने के लिए, मैं जा रही हूँ नीचे। सो आज मैंने धुले हैं कपड़े, मैं थोड़े से कपड़े लगा देती हूँ तय, क्योंकि मेरा काम हो जाएगा थोड़ा सा कम, क्योंकि सुबह सुबह सबको चीज़ चाहिए होती हैं, तो सबका मैंने काम समेट कर रख दिया है। आज मैं दे देती हूँ पौधे में थोड़ा सा पानी, क्योंकि पौधे मेरे बहुत सूख रहे हैं। कुछ कपड़े धोए मैंने मशीन में, कुछ कपड़े रह गए हैं मेरे ये हाथ वाले, जो ये कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं तो मुझे ये हाथ से धोने पड़ेंगे। इसमें वाइब्रेशन है तो मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है, वाइब्रेशन से बहुत रिलैक्स मिलता है मुझे वाइब्रेशन से, और तो उसमें गर्म पानी थोड़ा होता रहता है, पैरों का दर्द सारा निकल जाता है। कर दे भाई, मेरा भी कर दे, मेरा काम अधूरा पड़ा हुआ है, टाइम भी हो रहा है भाई। सुमित बहुत लेट आई है बेटे, थोड़ा जल्दी आ करो बेटे,